लोकेश, मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ अखबार बानी गॉसिप में। उमर रियाज ने छोड़ दिया है प्रतीक शेषपाल को पीछे। चलिए हम आप लोगों को बताते हैं ये लेटेस्ट अपडेट। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शो में वीकेंड के बारे में काफी बार उमर रियाज को ये चीज कही गई कि आखिरकार उमर रियाज कुछ चीजें घर में करते नहीं हैं, पर काफी सारी चीजें ऐसी सामने निकल के आती है बाहर जिससे ये साबित हो जाता है कि उमर रियाज ने क्या क्या सब चीजें की है और क्या क्या सब चीजें करके स्टेप बाय स्टेप कितने वो आगे बढ़ चुके हैं। आसिम रियाज उनके भाई हैं, सही बात है, उनकी एक बहुत ही बड़ी सपोर्ट है, ये बात प्रतीक शेषपाल का कहना है। पर उसी दौरान ही उमर रियाज ने एक बात बोली थी कि सपोर्ट है पर अगर जनता को मैं पसंद नहीं आता तो वो सपोर्ट भी जो है मेरे कुछ काम की नहीं है। अभी जो है डॉक्टर उमर रियाज की खुद की एक सपोर्ट बनी है, एक फैन फॉलोइंग एक बनी है जिनके फैंस जो है वो उन्हीं को पसंद करते हैं और उनके एक्चुअली में दिखाने की डिमांड करते हैं सोशल मीडिया पे। आज हम लोग बात कर रहे हैं ऑरमैक्स लिस्ट की। ऑरमैक्स लिस्ट जो है इसमें उमर रियाज का नाम पहले नहीं आता था, पर इस बार उमर रियाज का नाम और पिछली बार भी उमर रियाज का नाम आया था और उमर रियाज ने जो है प्रतीक शेषपाल को पीछे छोड़ दिया है। जबकि हम लोग बात करें ऑरमैक्स लिस्ट जो आई है यानी कि मोस्ट पॉपुलर बिग बॉस 15 कंटेस्टेंट, सबसे पहले नंबर पे हैं आपकी प्यारी तेजस्वी प्रकाश, जिनको मतलब के वीकेंड के बार पे काफी सारी चीजें दिखाई गई और तेजस्वी भी काफी ज्यादा खुश हुई और उनकी उनसे जुड़ी हुई काफी सारी क्लैरिटी जो है काफी सारे लोगों को मिली भी। सबसे पहले नंबर पे हैं तेजस्वी प्रकाश और दूसरे नंबर पे हैं और मैक्स लिस्ट में करण कुंद्रा और तीसरे नंबर पे हैं शमिता शेट्टी और चौथे नंबर पे आ चुके हैं उमर रियाज और पांचवें नंबर पे हैं प्रतीक शेषपाल। प्रतीक शेषपाल भी काफी अच्छी गेम खेलते हैं, काफी सारी चीजें करते हैं, हाँ भाई दूसरे के मुद्दे में घुसते हैं साफ तौर पे नजर आता है। जो रितेश बोलता है कि भाई सबका बोलने का हक है, उसी ने कल के टास्क में जो है सबसे पहले बोर्ड पे यही चीज लिखा था कि दूसरे को मुद्दे में आता है और ये बहुत ही ज्यादा मतलब कि बटरिंग करके बोला जाने वाला चीज थी, जहां पर फरा मैम ने ये बात बोल दी कि भाई तेरे को अगर ये बटरिंग करनी है अच्छा ही बोलना तो इससे पहले तू पानी फेर दे, इसके ऊपर पानी मार दे, इसको खत्म कर। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।